हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे। तो बेटा, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है जिसे हमें सॉल्व करना है, 5x+3=18। सबसे पहले जिसमें आपके पास वेरिएबल है उस टर्म को हम एक साइड कर लेंगे और जो भी कांस्टेंट टर्म है, नंबर है खाली, उसे अलग हटा देंगे। तो पहले आपने इसको मार्क कर लिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कॉपी में भी पेपर में इस तरीके से मार्क करें, पर अच्छा रहता है बेटा, इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो जो भी एक्स वाई जेड वेरिएबल की टर्म है उसे आप पहले अलग से मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। अब 5x को मुझे यहीं छोड़ना है, जमा 3 इसके पास फालतू है, जमा की टर्म को इधर ले जाएंगे तो वो घटा में बदल जाएगी। बराबर के दूसरी तरफ जाने पर पहले यही रकम लिखेंगे 18, फिर जमा 3 हो गया घटा 3, 18 में से 3 गए 15। अब बेटा मैं खाली x को सर्कल करूँगी, मुझे इस तरफ खाली x का वैल्यू चाहिए, तो x के पास जो भी टर्म्स हैं वो सब हमें हटा देनी है। यहाँ से जमा घटा हो रही है तो वो हटानी है, उसके बाद गुणा भाग हो रही है तो वो भी हटानी है। अब 5 और x आपस में गुणा हो रहे हैं तो 5 इधर जाके भाग कर देगा, x बराबर 15/5 यानी कि 15/5 = 3। x = 3 इज़ अवर आंसर। ध्यान से समझिए बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।